हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज में। आपके लिए लाए हैं कुछ नए प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो प्रश्नों की जो सीरीज है उसको हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। अब हम अपने आप को भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे रिज्यूम कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पहला जो है प्रश्न आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कंटेंट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू में कौन सी मेमोरी होती है, तो वो यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो बच्चा आपकी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। कौन सी मेमोरी होती है आपकी? है रजिस्टर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो आपका रजिस्टर होती है। तो रजिस्टर होता क्या बच्चा, वो भी देख लीजिएगा। द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड रजिस्टर मेमोरी। दिस मेमोरी इज लोकेटेड इन सीपीयू एज रजिस्टर्स, वेयर रजिस्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स टू होल्ड डेटा। यानी ये क्या करती है, एक छोटा सा डेटा को भी क्या करती है, होल्ड कर सकती है, ठीक है। यानी ये एक मेन मेमोरी नहीं होती, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। यानी ठीक है, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती है, लेकिन जो रजिस्टर है वो आपका कंटेंट रहता है किसमें, आपका सीपीयू में, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पे चलेंगे बच्चा। तो चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिफ्रेश? रिफ्रेश का जो है यहाँ पे शॉर्टकट की बच्चा बताना है, जो यहाँ पे रिफ्रेश कमांड है उसका जो है बच्चा शॉर्ट शॉर्टकट कीज बोलना है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आता है F1 हो गया, F5 हो गया, F2 हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि जो शॉर्टकट कमांड रिफ्रेश की क्या होती बच्चा है, F5 होती। क्या होती बच्चा है? F5 कीज होती है शॉर्टकट रिफ्रेश कमांड के लिए। यहाँ पे कुछ और कीज है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि लिखा F1, F1 का यूज किया जाता है बच्चा किसके लिए, हेल्प के लिए, ठीक है। F1 का यूज किसके लिए करते हैं? F2 का यूज बच्चा करते हैं एडिट कमांड के लिए, F2 यूज फॉर एडिट कमांड। F4 का जो यूज करते हैं रिपीट लास्ट एक्शन, F4 का कमांड किसके लिए करते हैं बच्चा, रिपीट लास्ट एक्शन। चलिए अगला जो प्रश्न हम यहाँ पे उठाते हैं आपके जो है सम्मुख ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर, यानी किसका प्रयोग करके जो है कंप्यूटर को बच्चा रिस्टार्ट करते हैं। तो सभी को पता होगा यहाँ पे आर कंट्रोल आर प्लस डेल बटन का यूज करते हैं किसके लिए बच्चा, रिस्टार्ट कंप्यूटर करने के लिए, ठीक। कंप्यूटर अगर आपका चल रहा है अगर उसको रिस्टार्ट करना तो किसका बटन यूज करेंगे, कंट्रोल आर प्लस डेल बटन का यूज हम करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल आर प्लस डेल बटन का यूज करेंगे। ये देखिएगा, लो हमने भी रिस्टार्ट कर दिया क्या भैया, ये देखिएगा ये ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आते हैं जब हम दबाएंगे, इसको हमने कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जो है हम यहाँ पे जो देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, यहाँ पे ध्यान से आप सब समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज डज अ डिलीटेड ईमेल लाई इन द ट्रैश फोल्डर, यानी जो भी डिलीटेड ईमेल होता है बच्चा कितने दिनों तक रहता है। तो बच्चा जो भी डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो आपके फोल्डर्स में, आपका जो ट्रैश फोल्डर होता है उसमें बच्चा जो है कितने दिनों तक रहता है पता है आपको? केवल और केवल 30 डेज तक का रहता है। कितना? 30 दिनों तक केवल उसमें रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड इन अ लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो बच्चा क्या होती है यहाँ पे देखिएगा, CTRL+K होती है, इंसर्ट हाइपरलिंक, CTRL+K यूज फॉर द हाई इंसर्ट हाइपरलिंक। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साथ में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+A यूज करते हैं किसके लिए, सेलेक्ट ऑल करने के लिए। कंट्रोल एच का यूज करते हैं रिप्लेस टेक्स्ट, ओपन रिप्लेस टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, ओपन रिप्लेस टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस
एच का यूज करते हैं। चलिए आगे जो है बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर AEPS, यानी पी का पूरा, पी का मतलब क्या है, किसके संदर्भ में बच्चा पूछा गया, AEPS के संदर्भ में पूछा गया। तो आप जानते ही होंगे कि AEPS का पूरा नाम क्या होता है बच्चा, है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है बच्चा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी पी का मतलब से हो गया पेमेंट हो जाता है, ठीक। पी का मतलब यानी कि पेमेंट कर दीजिए, AEPS स्टैंड फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है बच्चा, ये आप सभी जो यहाँ पे जानते हैं बड़े प्यार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल, अरे वाह, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल से, ईमेल को सेंड करने के लिए। तो चलिए बच्चा देखते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आपके सामने आ गए हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल बच्चा यूज किया, SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का यूज किया जाता है यहाँ पे मेल को सेंड करने के लिए। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP का पूरा नाम होता है बच्चा इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, चीज इस फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट डोमेन नेम फ्रॉम यूजर नेम, अरे बच्चा यानी कि जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें जो है यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने का कार्य कौन करता है, कौन करता है बच्चा, एट द रेट सिंबल, जो ये एट द रेट सिंबल जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने का काम करता है, एट द रेट सिंबल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीलिंग 217, इसका यानी कि इसकी वैल्यूज क्या होगी, तो बच्चा इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या हो जाती है, तो इसकी वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी बच्चा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 21 हो जाएगा। चलिए इस फार्मूले को अगर हम कहीं पे अप्लाई, रुकिएगा कर कर लेते हैं कहीं, पहले चल के थोड़ा एक्सेल पे चलेंगे हम बच्चा, इसको हमने यहां से कॉपी किया ऐसे और एक्सेल हमने ओपन करा लिया यहाँ पे, आप सब ध्यान से देखिएगा बच्चा, एक्सेल ओपन करा लिया हमने। अभी इस कॉपी को उस पे जो है फंक्शंस को जो है अप्लाई कराता हूँ, देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि तो फंक्शन जरूर अप्लाई करा लेने चाहिए। ये हमने यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट किया, ठीक है, इसमें से हमने इस ब्रैकेट्स को हटाया, इस क्वेश्चन मार्क को हटाया और ये ओपन करते हैं, तो आंसर आ जाता है बच्चा 21। क्या आंसर आ गया आपके सामने बच्चा, 21 आंसर आया। कौन सा आंसर आ गया बच्चा आपके सामने, 21 आंसर आया है आपके सामने। तो चलते हैं फ्रॉम करेंट स्लाइड से, क्योंकि हम लोग करेंट स्लाइड पे थे, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बच्चा 21, आंसर इसका हो जाएगा सीलिंग में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे बच्चा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ईमेल इज रिसीव, यानी किसके माध्यम, किस प्रोटोकॉल के माध्यम से ईमेल जो है क्या होता है बच्चा, रिसीव किया जाता है, किस प्रोटोकॉल के माध्यम से ईमेल बच्चा जो है रिसीव किया जाता है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, अच्छा दिखाओ दिखाओ से, है ना। तो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से ईमेल रिसीव किया जाता है, तो बच्चा किसके माध्यम से होता है, देखिएगा आप जो है POP3 के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चा, POP3 माध्यम के प्रोटोकॉल के माध्यम से ईमेल को जो है रिसीव किया जाता है। अब ये होता क्या, देखिएगा द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर, यानी कि अगर रिट्रीव ईमेल करना, रिसीव करना, उसके लिए यूज कौन सा करते हैं बच्चा, POP3 का यूज करेंगे, ठीक। POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं आपके सामने है बच्चा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, व्हाट इज मीन्ड बाय लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या है बच्चा, है क्या है आपके, ये ओरिएंटेशन होते हैं, यानी पेज ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है बच्चा, ये पेज
पेज ओरिएंटेशन होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। जो लैंडस्केप होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, जो पोर्ट्रेट पेज होता है वो आपको वर्टिकली होता है, चीज ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कह रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द अकाउंट ऑफ अ यूपीआई यूजर बी आइडेंटिफाई। यूपीआई का जो है अकाउंट आइडेंटिफाई कैसे करता है भैया, तो कैसे होता है, किसके द्वारा? बैंक पेमेंट एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? पेमेंट एड्रेस के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा यूपीआई का जो पूरा नाम होता है क्या था बच्चा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या था? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता। अगला, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीईओ? सीईओ का पूरा नाम क्या था बच्चा? क्या था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीईओ का जो पूरा नाम होता है क्या था बच्चा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे हम प्रश्न कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल इज द सीक्रेट सॉकेट लेयर। कह रहा है कि जो एसएसएल का जो पूरा नाम है वो बच्चा का सीक्रेट सॉकेट लेयर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एसएसएल का जो पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट शेल होता है। क्या होता है बच्चा? सिक्योर सॉकेट सेल होता है, ये एसएसएल का पूरा नाम होता है, सिक्योर सॉकेट सेल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे IMPS एंड POP3 आर यूज टू सेंड ईमेल, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा ऑप्शन आपका? फॉल्स रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा फॉल्स? थोड़ा सा इस पर हम जो है देखते हैं, SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज द प्रिंसिपल ईमेल प्रोटोकॉल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ईमेल्स बिटवीन ईमेल्स क्लाइंट्स एंड ईमेल सर्वर। यानी कि ये अगर सेंड ईमेल की बात आएगा तो कौन करेगा बच्चा? IMPS ही करेगा। कौन करे? ठीक है, SMTP करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे बढ़ेंगे, इसलिए ये जो है गलत हो जाता है, IMPS एंड POP3 ये गलत है, क्योंकि SMTP यूज करेगा, ठीक है, सेंड के लिए। इट इज पॉसिबल टू चेंज द नेम ऑफ आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं बच्चा, बहुत ही आसानी से किसी भी आइकन को आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे द वर्किंग हावर्स ऑफ नेफ्ट एंड RTGS आर 24x7 days। तो बच्चा ये भी ऑप्शन क्या है आपका? पूरी तरह से आपका क्या है? ट्रू है, यानी जो नेफ्ट और RTGS है वो 24x7 days अब हो गया है। नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS क्या मतलब होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये चीज ध्यान रखिए, जो नेफ्ट है बच्चा वो 0 रुपया से लेकर के 1,99,999 तक जो है आप भेज सकते हैं। RTGS को जो है 2 लाख से लेकर के अधिकतम तक आप भेज सकते हैं, यानी कि कहा जाए 2 लाख तक के लिए अगर आपको अमाउंट भेजना तो आप उसके लिए नेफ्ट करेंगे। नेफ्ट में मिनिमम बैलेंस जो सेंड कर सकते हैं वो आप 1 रुपया है, अधिकतम 2 लाख है। RTGS में जो मिनिमम बैलेंस है वो आपका रहेगा 2 लाख तक सेंड कर सकते हैं, और अधिकतम आप कुछ भी जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है, चीज ध्यान में रखें। दोनों 24x7 days होता है, ऑन ऑल वर्किंग डेज। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे हम इट इज पॉसिबल टू एडिट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम सेल बाय डबल क्लिकिंग इट। बिल्कुल सही है बच्चा, हम डबल क्लिक करके जो है सेल को एडिट मोड में लाते हैं, ठीक है ना, डबल क्लिक करके सेल को एडिट मोड में लाते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा? ट्रू हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन क्या आपका रहेगा? ये ट्रू रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इच चाप सेफर देन पाप। आप बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा, ये चाप पाप ये है क्या भैया, ये चाप पाप ये है क्या यार, बड़ी समस्या आ गई यहाँ पे ना। तो देखिएगा जो चाप है सेफर देन पाप, बिल्कुल सही, यानी ये ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा बच्चा? ट्रू है ऑप्शन, ऑप्शन क्या है आपका? अब पाप होता है क्या? पाप यूजेस अ टू वे हैंडशेक। ध्यान सुनिएगा, जो पाप होता है पाप यूजेस अ टू वे हैंडशेक टू ऑथेंटिकेट क्लाइंट सेशन, व्हाइल चैप यूजेस अ थ्री वे हैंडशेक। चैप का जो पूरा नाम होता है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, पैप का पूरा नाम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ध्यान में रखिएगा।
पैप में क्या होता है बच्चा? टू वे हैंडशेक होता है, टू वे। और चैप में क्या कहता है बच्चा? थ्री वे हैंडशेक कहता है। इसलिए चैप का है सेफर देन फ्रॉग, सेफर देन पैप से। चैप का पूरा नाम चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, पैप का पूरा नाम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। बच्चा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के अंडर में क्या आता है बच्चा? तो क्या आता है भैया ई बैंकिंग के अंडर में? बैंकिंग आता है। क्या तो है? बैंकिंग आती है पूरी पूरी, ठीक है? बैंकिंग आता है बच्चा, ठीक है? जिसमें आप इंटरनेट सर्विस भी कर सकते हैं, ट्रांसफर मनी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन सब कुछ भी कर सकते, यानी कि बैंकिंग आता है पूरा, ठीक है? अगला जो है प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू एट द करेंट डेट। अरे बाबा, करेंट डेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज इस्तेमाल किया जाता है भैया? तो किसका इस्तेमाल करते हैं देखिएगा, CTRL प्लस सेमी कॉलन। किसका यूज करेंगे बच्चा हम? CTRL प्लस सेमी कॉलन का यूज करेंगे। किसके लिए? करेंट डेट अप्लाई कराने के लिए, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ और भी आ गई हैं, इनके बारे में भी है। तो चलिए एक्सेल पे अगर आप कहते, थोड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे ये जो है अप्लाई होती है। तो पहले हम CTRL प्लस सेमी कॉलन का यूज करेंगे। ये एक्सेल हमारा ओपन है, CTRL प्लस, ये हमने यहाँ से सेमी कॉलन प्रेस किया। देखिए बच्चा करंट डेट आ गई, यानी आज की डेट आ गई यहाँ पे, ठीक है? फिर अगला क्या कह रहा है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन है, तो CTRL शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन दबाएंगे तो करंट डेट आ गया, यानी ये 14:57 हो गए, यानी कि 2:57 हो चुका है दोपहर के, ठीक है? अगला प्रश्न है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस पी। CTRL शिफ्ट प्लस पी अगर ओपन करेंगे तो बच्चा क्या ओपन हो क्या जाएगा? फॉन्ट फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है ना? ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें जो है आप अच्छे से संभाल के रखिए, ध्यान करके रखिए। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। QR कोड इज इवेल्युएटेड और स्कैन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया कैमरा द्वारा होता है, अगर कैमरा नहीं है तो क्या आप QR कोड को स्कैन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं स्कैन कर पाएंगे, आप कोई भी फोटो तक नहीं खींच पाएंगे यहाँ तक कि, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा द शॉर्टकट की टू इंक्रीज टेक्स्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज CTRL प्लस ब्रैकेट। हाउ मच इज द टेक्स्ट जूम वंस दिस शॉर्टकट की इज प्रेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, यानी अगर हम एक बार ये कंट्रोल प्लस ब्रैकेट यूज कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तो कितना जो है वो इंक्रीज होता है, टेक्स्ट जूम होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो कितना बच्चा इंक्रीज होता है? +4 +3 +1 +2। तो ध्यान से सुनिएगा, +4 बच्चा इंक्रीज होता है। आप पावर पॉइंट में भी अगर यही करेंगे तो +4 जो होगा, यानी कि 14 है, तो 14 के बाद सीधा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये बटन आप दबाते हैं यहाँ से, ठीक, ये बटन दबाते हैं तो सीधा +4 जो है आपका इंक्रीज होगा टेक्स्ट। ध्यान में रखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला फिर यहाँ बढ़ते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स अ ब्लॉक कैन बी क्रिएटेड। तो बच्चा इसमें से जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, किस, ये चार प्लेटफॉर्म आपके सामने दें, चार में से किस पर आप ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं? तो यहाँ पे वर्डप्रेस का नाम दिया हुआ है, इसलिए आप वर्डप्रेस पे जो है आप ब्लॉग अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। पोर्ट 80 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पोर्ट 80 जो है किससे रिलेटेड है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्किंग का, चैप्टर नंबर 6 का, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे। HTTP, TTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो पोर्ट 80 है वो HTTP से बच्चा जो है रिलेट करता है, जी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, अगर है यहाँ पे इसके बारे में कह रहा है बच्चा जो है, क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है पोर्ट 80 अलाउ HTTP प्रोटोकॉल मींस द इंफॉर्मेशन रिमेन इन प्लेन टेक्स्ट। बात ध्यान से सुनिएगा बहुत ही प्यार से, यानी कि इंफॉर्मेशन रिमेन्स इन प्लेन टेक्स्ट, यानी कि अन अन इनक्रिप्टेड, यानी पोर्ट 80 अगर है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंफॉर्मेशन प्लेन में है, रिमेन इन प्लेन, और कैसी इंफॉर्मेशन? अन इनक्रिप्टेड में है, अन इनक्रिप्टेड, ध्यान में समझिएगा,
बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर व्हाइल पोर्ट 443 अलाउ द HTTPS, PS लग गया यानी कि सिक्योर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से मिलेगा, PS लग गया यानी कि क्या हो गया, सिक्योर हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आपका हो गया। ये प्रोटोकॉल मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन द सर्वर एंड द ब्राउजर रिमेन्स इनक्रिप्टेड, यानी ये कैसा आपका हो जाता है, डेटा सिक्योर हो जाता है। PS लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिक्योर हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप उन्हीं साइट्स को ओपन करें जहां पे HTTPS लगता है, उन साइट्स को अगर आप ओपन करते हैं, दैट्स मीन आप जो है सेफ जोन में हैं। आप किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करें, अगर उसमें लॉक का सिंबल बन के आ रहा है, जहां पे आप जो है URL बॉक्स में, जहां पे आप www. मेंशन करते हैं, उसमें अगर ताला बनकर आ रहा है, ठीक है, लॉक का सिंबल आ रहा है, इट्स मीन वो वेबसाइट आपके लिए सिक्योर है। और जहां पे नहीं बन के आ रहा, फिर वहां पे मत जाइए ज्यादा, ठीक है, सिक्योर वेबसाइट ओपन करिएगा। ओके चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न यहाँ पे, FDDI works on which of the following topologies, बहुत बढ़िया बच्चा यहाँ पे, तो टोपोलॉजी किस पे फॉलो करता है, FDDI बच्चा रिंग टोपोलॉजी पे करता है, किस पे करता है, रिंग टोपोलॉजी पे करता है। देख लेते हैं ये आखिर ये FDDI है भी क्या, है ना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। FDDI का मतलब था फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इज अ स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन लोकल एरिया नेटवर्क। FDDI लॉजिकल टोपोलॉजी इज रिंग बेस्ड टोकन नेटवर्क, ध्यान में रखें FDDI जो है रिंग बेस्ड टोकन नेटवर्क टेक्नोलॉजी में जो है यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका पूरा नाम क्या होता है FDDI का, फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है बच्चा पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिफर टेक्स्ट इन क्रिप्टोग्राफी, यानी सिफर टेक्स्ट जो है क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है। तो बच्चा जब भी हम सिफर टेक्स्ट की बात करेंगे, यानी आपका और डेटा कैसा रहेगा बच्चा, सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, उसे नो वन पर्सन कैन रीड विदाउट द यूजर, आप विदाउट द जो भी एडमिन है उसे वही के उसको यूज कर सकता है, नो वन पर्सन कैन रीड एक्सेप्ट एडमिन, ठीक है, या हु क्रिएट या हु इनक्रिप्टेड देम, जिसने उसको इनक्रिप्ट किया या जिसने उसको जो है बनाया है, सिर्फ वही कल उसको यूज कर सकता है। जो भी इनक्रिप्टेड डेटा होता है वो पूरी तरह से आपका सिक्योर डेटा होता है, ठीक, कोडिंग उसका चेंज हो जाता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया ढंग से। इनक्रिप्शन मीन्स अनरीडेबल फॉर्म, यानी क्या होता है इनक्रिप्शन मीन्स बच्चा अनरीडेबल फॉर्म, यानी इसको नो वन पर्सन कैन रीड, ठीक है, इस डेटा को कोई भी रीड नहीं कर सकता है सिवाय एडमिन के, ठीक है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा अच्छे से, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ओके, सिफर यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अगला बात यहाँ पे करते हैं, और डिक्रिप्शन का मतलब क्या था, रीडेबल फॉर्म, यानी पुनः जो है सिक्योर डेटा से पुनः जो है रीडेबल फॉर्म में लाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं बच्चा, डिक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कहते हैं, अब जो प्लेन टेक्स्ट मीन्स यानी अनसिक्योर, जो जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो कैसा होता है, पूरी तरह से वो अनसिक्योर होता है। अगला बात कहते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस, यूटीएस का पूरा नाम क्या है बच्चा, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनेगा, यूटीएस का पूरा नाम क्या है, तो प्रश्न आपके है, आंसर हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आंसर है आपके लिए बच्चा यहाँ पे बहुत प्यारा सा, यूनिवर्सल टाइम शेयरिंग सिस्टम, यानी कि यूनिवर्सल टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, इसका पूरा नाम किसका, यूटीएस का पूरा नाम क्या है बच्चा, यूनिवर्सल टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चा, आज हम आपको इसी में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो भी हम सारे आपको जो गिना देते हैं यहाँ पे। चलिए पहले जो इसको ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे डॉस आ जाता है, सिम्बियन आ जाता है, विंडोज है आपके सामने और iOS है, तो अब हम इसमें से अगर बात करेंगे तो बच्चा डॉस नहीं होता, कि डॉस का मतलब क्या होता है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका कैसा है, डेस्कटॉप पे आधारित है, यानी कंप्यूटर का जो है ये एक कंप्यूटर पे जो है ये विंडोज आधारित है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसको हम मोबाइल पे नहीं रन करा सकते, बाकी सिम्बियन विंडोज आईओएस इन सभी को हम क्या करा सकते हैं बच्चा, विंडो यानी एंड्रॉइड पे हम
सॉरी क्या कहते हैं, मोबाइल पे रन करा सकते हैं। चलिए हम इसी में और भी नॉलेज आपको दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारे प्यारे नॉलेज हम देने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे नॉलेज देने जा रहे हैं। एंड्रॉइड ओएस डेवलप बाय गूगल बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, ध्यान से समझ गया बच्चा, जो एंड्रॉइड है उसको गूगल ने डेवलप किया, ये बेस है किस पे, लिनक्स पे, ठीक है, लिनक्स कर्नल बाड़ा, ठीक है, बाड़ा डेवलप बाय सैमसंग, ये भी आपका क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान से रखिएगा बच्चा। अगला आ रहा ब्लैकबेरी ओएस डेवलप बाय रिसर्च इन मोशन एंड रिम, ब्लैकबेरी आपका ओएस जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट है एप्पल आईओएस, एप्पल आईओएस ये भी जो है एप्पल के द्वारा डेवलप किया, ये भी आपका क्या है मोबाइल ओएस है। फिर है विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप किया गया है वो विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन ओएस डेवलप बाय सिम्बियन लिमिटेड, जनरली फॉर नोकिया, तो नोकिया के जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। हार्मनी ओएस डेवलप बाय हुआई फॉर यूज इन आईओटी डिवाइस, ध्यान से आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीज ध्यान में रखिए, आईओटी मीन्स बच्चा इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ये भी सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे बच्चा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड्रॉइड हो गया, बाटा हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, आईओएस हो गया, विंडोज हो गया, सिम्बियन हो गया और हार्मनी हो गया, ये सारे आपके क्या बच्चा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत प्यार से जो है लिख के लाया हूँ आपके लिए। वेब ओएस डेवलप बाई पाम लिमिटेड, यानी पाम लिमिटेड का जो वेब ओएस है वो कौन सा है, वेब ओएस जो है ये आपका पाम लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ, सारे आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए ट्रांजिशन इज नॉट वर्किंग इन लिब्रे ऑफिस, अरे ये ऑप्शन है इसमें से कौन सा ट्रांजिशन जो है लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में वर्किंग नहीं करता, कौन सा नहीं करता बच्चा, फ्लाई इन, फ्लाइंग जो है उसमें एनिमेशन इफेक्ट में आता है, ट्रांजिशन इफेक्ट में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन जो है किसमें आपको मिलता है बच्चा, एनिमेशन इफेक्ट में मिलेगा, ट्रांजिशन इफेक्ट में फ्लाई इन ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिएगा बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की ऑफ एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि एक्सटेंशन मैनेजर अगर ओपन करना है आपको लिब्रे ऑफिस में तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है, तो बच्चा हम क्या यूज करते हैं वहां पे, CTRL+R+E यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, एक्सटेंशन मैनेजर ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अगला प्रश्न हम यहीं पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इनेबल्स यू टू ऐड टेक्स्ट टू स्लाइड विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर, तो उसके लिए जब हमें प्लेस होल्डर अगर हमको नहीं लाना है या नहीं है और फिर भी हमें अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चा, टेक्स्ट टूल बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट टूल बॉक्स का यूज करेंगे, इंसर्ट करा के उसमें हम टेक्स्ट आराम से लिख लेंगे, ठीक, प्लेस होल्डर हम खुद ही बनाएंगे। फॉर हाउ लॉन्ग इज अ वन टाइम पासवर्ड वैलिड, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चा, ध्यान सुने, फॉर हाउ लॉन्ग इज अ वन टाइम पासवर्ड वैलिड बच्चा, 10 मिनट, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 डे, तो आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे है, ध्यान दीजिए बच्चा, 10 मिनट, 10 मिनट के लिए जो है पासवर्ड वैलिड होता है, बाकी सभी सर्वर का अपना अलग अलग जो है नियम है, कहीं किसी में 30 मिनट्स के लिए देता है, कहीं किसी में 5 मिनट्स होता है, कहीं किसी में 2 मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक है, 24 आवर किसी किसी सर्वर पे होते हैं 24 आवर के लिए, ठीक है, तो इसलिए ठीक है, लेकिन 1 महीना, 1 साल, 1 दिन के लिए इतना नहीं होता है ऐसे, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे यहाँ पे हम OTP, OTP का मतलब होता है बच्चा वन टाइम पासवर्ड, क्या होता है बच्चा वन टाइम पासवर्ड, कैन बी 4 और 6 डिजिट, OTP जो है बच्चा आपका 4 या 6 अंकों का हो सकता है, तो ध्यान से सुनेगा, यदि प्रश्न में 4 व 6 दोनों आए हों तो 6 को ही टिक करेंगे, बात समझ में आया ना, और यदि बोथ ऑप्शन लगा दिया जाए 4 और 6 हो तब तो बच्चा आराम से बोथ वाले को टिक कर देंगे, ठीक है, और यदि 6 नहीं है 4 है तो 4 को टिक कर देंगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन 4 और 6 दोनों हैं तो 6 को टिक करेंगे, बात क्लियर आया बच्चा समझ में, चलिए अच्छी बात। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स वी एडिटर कैन बी यू क्लोज विदाउट सेविंग दी फाइल, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चा, देखिएगा इसमें किस कमांड के द्वारा हम करेंगे बच्चा, क्यू कमांड के द्वारा हम जो है इस यूज कर देंगे, ठीक, क्यू हाइफन कमांड के द्वारा जो है हम क्या कर दें, क्लोज कर देंगे बिना सेव किए हुए फाइल को, इसमें वी एडिटर की बात कर रही है,
अब बच्चा वी एडिटर आप पाएंगे किसमें, है ना। जब भी वी एडिटर की बात करे तो आप सीधा अपना दिमाग लाइनेक्स पे घुमा ले जाना, कहां पे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके चले जाना, क्योंकि वी एडिटर जो है आपको लाइनेक्स कमांड, लाइनेक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा। सीधा आप लाइनेक्स भागेगा, ठीक है, लाइनेक्स पे भारी। लाइनेक्स टॉरवर्ड जो थे इनके इनके इसको डिजाइन किया था, इसको बनाया था। तो देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, एक दो यहाँ पे कुछ हैं पॉइंट्स और हैं, तो बड़ी प्यार से लिखा है हमने आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे जो डब्लू कमांड, इसका यूज करते हैं बच्चा सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग इन वी आई, ध्यान में रखिएगा समय। यानी जो डब्लू कमांड है उसका काम है बच्चा सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग इन वी कमांड, डब्ल्यू क्यू आर जेड जेड, ध्यान सुनिए, डब्ल्यू क्यू आर जेड जेड, सेव एंड क्विट एग्जिट इन वी आई। यानी जो डब्ल्यू क्यू और जेड जेड कमांड है इसका क्या है, सेव और क्विट या एग्जिट कराओ डायरेक्टली। जो क्यू कमांड है क्विट वी एंड डू नॉट सेव चेंजेस, यानी बिना विदाउट सेव जो है ये जो है आप इससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर था। चलिए अगले जो है बात करते हैं यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस कैन बी क्लोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज, किसके द्वारा आप जो क्लोज कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हम देखते हैं लिब्रे ऑफिस जब भी बात क्लोज करना होगा तो CTRL+F4 से भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। अब ये भी लिखा Alt+F4, इससे भी हम क्लोज कर देंगे, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, बी एंड सी ऑप्शन हो जाता है बोथ, यानी इससे भी क्लोज होगा, इससे भी क्लोज होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट इन लिब्रे ऑफिस। हमने आपको कई बार बताया भी है, यानी कि जो रोज एंड कॉलम यानी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, क्या कहते हैं बच्चा, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जो ABCD फॉर्म में होते हैं वो कॉलम होते हैं, 1 2 3 फॉर्म में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चा, रोज होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज द इनबिल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10, विंडोज 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर जो है उसके साथ में आता है। तो बच्चा कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, कौन सा आता है बच्चा, माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जो विंडोज के जो वर्जन थे उनमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था, क्या मिलता था बच्चा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था। विंडोज 10 में जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है रिप्लेस करके क्या लाया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया। ये ऑटोमेटिक कैसा होता है बच्चा, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द लास्ट रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ओहो, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो एंड कॉलम का नेम बच्चा कितना है, तो हम आपको बता देते हैं कितना है बच्चा। ये ऑप्शन है 1,41,48,10,48,576, ये बच्चा होता है। और AMG यानी लास्ट कॉलम रोज का नेम क्या, लास्ट कॉलम का नाम क्या है बच्चा, AMG, ध्यान रखिएगा, लास्ट कॉलम का नेम क्या है, AMJ, AMJ, और लास्ट रोज क्या है, 1,048,576, ये आपका रोज है लास्ट और ये आपका कॉलम है लास्ट, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द लास्ट रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। सेम प्रश्न यहाँ पे उठा लिया है हमने, लगता है बच्चा कॉपी कर लिया था ऐसे ही, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, उस पर हमने एक्सप्लेन लग रहा नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा और दे दे। ई शीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 1,045,56 रोज, यानी 65,536 रोज इन कैल्क, 3.2 एनर्लियर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1,024 कॉलम, ये चीज ध्यान में सुनिएगा। अगर कॉलम्स की बात करें तो 1,024 और रोज की बात करें 65,536, 65,536 रोज होती है, ठीक है ना, बाद में ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1,048,576, ये भी सब याद रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे चलते हैं बच्चा, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन द लास्ट मोबाइल बी रिट्रीव, यानी कैसे जो है
नंबर जो है नंबर को लॉस्ट मोबाइल को जो रिट्रीव कर सकते हैं, यानी जो मोबाइल खो जाते हैं उनको हम कैसे पा सकते हैं। तो बच्चा उनको पाने के लिए केवल एक ही तरीका होता है, IMEI नंबर। कौन सा होता है बच्चा? IMEI नंबर होता है बच्चा, ध्यान दे दे, EMI नंबर है ना, IMEI नंबर। यानी कि इसका पूरा नाम जो होता है, इसका काम क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, इज अ 15-डिजिट कोड दैट इज गिवन टू एवरी मोबाइल फोन। अगर आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर जानना है तो क्या करेंगे, डायल सेक्शन में जाएंगे, *#06# डायल करिएगा और आपकी स्क्रीन पे IMEI नंबर आपको दिखाई जो है क्या हो जाएगा बच्चा, दे जाएगा। जीपीएस का पूरा नाम होता है बच्चा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTS? RTS का जो पूरा नाम होता है बच्चा रियल टाइम स्ट्रेटजी होता है। क्या होता है बच्चा? रियल टाइम स्ट्रेटजी होता है, RTS का पूरा नाम रियल टाइम स्ट्रेटजी होता है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखिएगा। अब ये होता क्या बच्चा, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। रियल टाइम स्ट्रेटजी इज अ सब जेनर ऑफ स्ट्रेटजी वीडियो गेम दैट डू नॉट प्रोग्रेस इंक्रीमेंटली इन टर्न्स बट अलाउ ऑल प्लेयर्स टू प्ले सिमुलेटरी, यानी एक साथ जो है, एक साथ एक समय में जो है गेम खेलने की जो है अनुमति प्रदान करता है समस्त प्लेयरों को, इसीलिए जो इसका नाम रखा गया क्या, रियल टाइम स्ट्रेटेजी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो गेम से रिलेटेड है, बहुत प्यारा प्रश्न है ये आपके लिए। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पैन यूज्ड इन कंप्यूटर? पैन का पूरा नाम होता है जो कंप्यूटर में यूज किया जाए, पैन उसकी बात, यानी कि फिर तो नेटवर्क में मामले में पहुंच जाएगा, जब कंप्यूटर की बात करें ना तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक। पैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चा? पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम यहाँ पे देखते हैं, और कैन का पूरा नाम क्या होता है बच्चा? कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, ये चीज ध्यान में रखिए। वी लैन का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है यहाँ पे। व्हाट इज द यूज ऑफ F2 शॉर्टकट कीज इन लिब्रे ऑफिस? क्या F2 का हमने आप इससे पहले बताया था, एडिट सेल के लिए होता है, किसके लिए होता है बच्चा? एडिट सेल के लिए होता है, F2 का जो है यूज करते हैं बच्चा, एडिट सेल के लिए करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट वन लाइन विद अनदर लाइन, यानी किसका जो है इसमें से यूज करते हैं, यानी ठीक है, तो किसका यूज करते हैं बच्चा? ब्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बच्चा? हम ब्रिज का यूज करेंगे, यानी कनेक्ट वन लाइन विद अनदर लाइन, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने के लिए जो है किसका यूज करेंगे हम बच्चा? ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है ना, बात ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से प्रश्न है ये आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले रखे, जैसे कि राउटर, राउटर काम, राउटर का जो काम होता है वो क्या होता है, वो भी ध्यान से आप लोग देखिएगा अच्छे से। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट अलोंग नेटवर्क। राउटर का काम होता है जो डेटा नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड करता है, ध्यान से सुनिएगा बड़े प्यार से, ठीक है। अगला प्रश्न में, अगला यहीं पे पॉइंट है, हब। हब कहता है इट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेस को आपस में क्या करता है, कर लेता है, कनेक्ट करता है एक उसके। मॉडम क्या करता है? मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डिमॉडुलेटर, इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, यानी मॉडम जो है पूरा नाम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, और इसका काम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में। ट्रैक चेंज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू, यानी ट्रैक चेंज ऑप्शन जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में पाया जाता है बच्चा, किसमें पाया जाता है, एडिट ऑप्शन में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एडिट ऑप्शन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एमोड? अब एमोड बहुत प्यारा प्रश्न है, एमोड के बारे में हम लोग सुनते तो खूब है कि एमोड डिस्प्ले है ना, मोबाइल की जब बात आती है तो उस पर लिखा नहीं होता कि एमोड डिस्प्ले होता है, तो आखिर ये है क्या एमोड डिस्प्ले बच्चा, है ना, तो एमोड डिस्प्ले ये है क्या, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एमोड का जो पूरा नाम होता है
एक्टिव मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ध्यान से सुनिएगा, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एमओआरडी का हो गया एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, बहुत प्यारा नाम है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये एमओआरडी का जो है क्या होता है बच्चा, पूरा नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वायरस वाइल अटैचिंग फाइल इन ईमेल। तो पूरी तरह से ये ट्रू है बच्चा, जब भी हम फाइल को जो है मतलब शेयर करते हैं यानी अटैच कराते हैं ईमेल में, तो उसके साथ वायरस वायरस भी जो है शेयर हो सकते हैं यानी वायरस भी जा सकते हैं, तो ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज इन जीबी एमबी एंड टीबी। तो ये भी पूरी तरह से भैया ट्रू है, क्योंकि तो कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी सीधा जीबी एमबी टीबी में होती, ना कि 1 किलो 2 किलो में तो होती नहीं है, ठीक है, ना लीटर में होती, इसमें जीबी एमबी के भी यूज किया जाता है ना। तो चलिए कुछ यहाँ पे हमने आपके लिए मेमोरी यूनिट्स लगा रखे हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा। मेमोरी यूनिट्स बहुत ही प्यार से बनाया है हमने आपके लिए। जो 1 बिट होता है, ध्यान से, बाइनरी डिजिट 0 और 1 को बोलते हैं 1 बिट, ठीक, ध्यान सुनिएगा, बड़े प्यार से, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे। जो 8 बिट्स होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल, ठीक है। 8 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट होता है, ध्यान सुनिएगा। जो 8 बिट्स जो उसको बोला जाता है वो 1 बाइट होता है, और 1 बाइट बराबर कितना होता है, 2 निबल के होता है, ठीक है। 1024 बाइट यानी कि 1 KB क्या होता है, 1024 KB यानी 1 MB का होता है बच्चा, 1024 MB यानी कि 1 GB के बराबर होता है, यानी 1024 MB जो है वो 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB अगर है आपके पास यानी कि वो 1 TB हो जाता है, और 1024 TB है तो वो 1 PB हो जाता है, और यदि 1024 PB है तो वो 1 EB कहलाता है, यदि 1024 EB है आपके पास तो वो उसको जो है 1 ZB भी कहा जाता है, यदि 1024 ZB है तो वो 1 YB के बराबर होता है कहलाएगा, जब 1024 YB है तो वह वो 1 BB कहलाएगा, और 1024 BB है तो वो क्या कहलाएगा, 1 GB कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, वो 1 GB कहलाएगा। अभी के लिए हम आपको बता दें, अभी के लिए सर्वाधिक सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी बच्चा है, जियोबाइट, कौन सी बच्चा है, जियोबाइट सबसे बड़ी मेमोरी है अभी तक की कंप्यूटर की ज्ञात, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 1 GB में जो है 1024 BB होते हैं, ये चीज ध्यान में आपको रखना है। इसी प्रकार से अगर यहाँ 1 GB में 1024 MB होते हैं, 1 TB में 1024 GB होते हैं, ये सारा आपको इसी प्रकार से डेटा आपको याद बच्चा जो है पूरी तरह से रखना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे प्रश्न सीरीज हम लेकर उपस्थित हुए थे आपके लिए, बहुत ही अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इट इज पॉसिबल टू सेंड, इट इज पॉसिबल टू सेंड ईमेल थ्रू मोबाइल। तो भैया हम ईमेल भेज सकते हैं मोबाइल के भी माध्यम से जो है, ईमेल क्या कर सकते हैं बच्चा, भेज सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ट्रू रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू ऐड ऑडियो वीडियो एंड फोटोज टू आ स्लाइड स्लाइड प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही है भैया, हम जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो है कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो है क्या ऐड कर सकते हैं बच्चा, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन एक आप हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ट्रू ऑप्शन आपका, ये ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो भी सीरीज थी बच्चा पूरी तरह से फिनिश होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों जो है ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चा।